हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और आखिर क्यों नासा एलियंस को इंडिया की शान ताजमहल से लेकर यहां के पसीनेदार ट्रैफिक तक सारी चीजों की फोटोज दिखाना चाहता है? आखिर वो क्यों चाहता है कि एलियंस इंडिया के बारे में जाने? बट एक सेकेंड, उन्होंने तो सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया भर के कई सारे देशों के फोटोज एलियंस को भेजे हैं, जैसे कि ये या ये और ये भी। पर अब बात ये आती है कि भेज कर भी ये सारे फोटोज ही क्यों नासा ने एलियंस को भेजना चाहा? सिर्फ यही फोटोज ही क्यों सिलेक्ट हो पाए? तो एक्चुअली मैं बॉस मान रही है ना कि नासा ने 1977 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 नाम के दो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे थे, जिसके अंदर उन्होंने पृथ्वी और इंसानों के टोटल 116 फोटोज और अलग अलग भाषाओं के गाने एक गोल्डन रिकॉर्ड में कैप्चर करके भेजा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका मानना है कि स्पेसक्राफ्ट घूमते घूमते अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथों लग गई तो इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए वो इंसानों को और बेहतर समझ पाएंगे और हम तक पहुंच भी पाएंगे। और क्या इस तरह स्पेस में हमारे फोटोज भेजना सेफ है? और क्या आज इसके लॉन्च के 44 इयर्स बाद किसी एलियन के हाथ ये फोटोज लगे हैं? वेल, इन सारे चीजों के और इन सारे अजीबोगरीब फोटोज भेजने के पीछे का कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 116 फोटोज नासा वांट्स एलियंस टू सी। साल 2012 में गोल्डन रिकॉर्ड कैरी करने वाला वॉयजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला सबसे पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया, जिसे नासा ने 1977 में वॉयजर 2 के साथ लॉन्च किया था। वैसे तो इन दोनों भी स्पेसक्राफ्ट्स का मिशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को और उनके 48 मून्स को एक्सप्लोर करना था, पर ये मिशन यहीं पर थोड़ी ना खत्म हुआ। उनका असल मिशन तो पृथ्वी के और इंसानों के एग्जिस्टेंस को दूर दुनिया के लोगों तक या एलियंस तक पहुंचाना था। और हमारे इस पृथ्वी के एग्जिस्टेंस को वो किस तरह ले गए? वेल, बस एक छोटे से 12 इंच के गोल्ड प्लेटेड सीडी के मदद से, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के, अलग अलग जानवरों के और इंसानों के कुल मिला के 116 फोटोज थे। यहाँ तक कि 55 अलग अलग भाषाओं में हमारे प्यारे एलियन दोस्तों के लिए ग्रीटिंग्स भी थे। पर नासा के हिसाब से पॉसिबिलिटी ये है कि वॉयजर को किसी दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 40,000 ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो हमारी तरह अपने सोलर सिस्टम को और उसके बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है, तो शायद वॉयजर उनके हाथों में पहले ही लग सकता है और उसके अंदर के फोटोज और ऑडियोज को देखकर वो शायद हमसे मिलने के लिए उत्सुक होकर सीधा पृथ्वी पर आ पहुंचे। पर सवाल ये है कि हमने जो इस गोल्डन रिकॉर्ड में सारे फोटोज और साउंड्स डाले हैं ना, क्या उसे एलियंस इस्तेमाल करना जानते होंगे? और अगर नहीं जानते होंगे तो वो ये फोटोज देखेंगे कैसे और इसका हमें क्या फायदा होगा, यही सोच रहे हो ना? वेल, इसके लिए नासा के साइंटिस्टों ने इस गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एंड नहीं, इंसानी भाषा में नहीं बल्कि एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे पूरे यूनिवर्स में रहने वाला कोई भी जीव समझ सकता है। ब्यूटीफुल, राइट? एंड क्या बताना चाहोगे वो लैंग्वेज क्या है? फिजिक्स और मैथमेटिक्स। क्योंकि साइंटिस्टों के हिसाब से हमारे पूरे ब्रह्मांड में फिजिक्स के लॉज तो सेम ही होंगे और अगर वो स्पीशीज भी हमारी तरह इंटेलिजेंट होगी तो वो समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने सिंबल्स और डायग्राम्स गोल्डन रिकॉर्ड पर एंग्रेव कर दिए हैं, कुछ इस तरह, जिसे देखकर कोई भी एलियन सिविलाइजेशन उसे समझ पाएगी। और ये सारे जो सिंबल्स है ना, वो यही चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये सीडी यूनिवर्स में कहां से आई है और किस फ्रीक्वेंसी पर इसे सुनना है। और सबसे पहली तस्वीर जो उन्हें दिखेगी वो होगा पृथ्वी का सोलर लोकेशन मैप और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के पैरामीटर्स और यूनिट डेफिनेशंस, ताकि ये सारे फोटोज देखने के बाद वो खुद से ये कैलकुलेट कर सके कि हम ब्रह्मांड में कहां एग्जिस्ट करते हैं और वो हम तक आ कैसे सके। और अब जैसे कि हमें पता है कि किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए वो प्लैनेट एक सोलर सिस्टम में होना जरूरी है, और जिस किसी भी एलियन के हाथों में वॉयजर लगता है उनका प्लैनेट भी किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा होगा, तभी तो वो भी पनप पाए हैं। और इसीलिए नासा ने उन्हें हमारे सोलर सिस्टम के कुछ फोटोज भेजे हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हम में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। और उसके लिए नासा ने उन्हें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टार यानी कि सूरज, द सन का फोटो भेजा है और साथ ही उसके इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ अलग अलग ग्रहों के भी फोटोज भेजे हैं, जैसे कि मर्क्यूरी का फोटो, मार्स का ये वाला फोटो और जुपिटर का ये वाला फोटो। और फाइनली उन्होंने भेजा फोटो एक बड़े नीले गोले का जिस पर लाखों अलग अलग प्रजातियों के जीव पनप रहे हैं, यानी हमारी पृथ्वी का। पर अब हम उन्हें आखिरकार ऐसा क्या दिखा सकते हैं जिसे देखकर वो पृथ्वी पर आना चाहे? ये एग्जैक्ट सवाल नासा के सिलेक्शन कमेटी के मन में घूम रहा था।
इन सारे फोटोज को सिलेक्ट करते वक्त, क्योंकि वो ना सिर्फ उन्हें ये बताना चाहते थे कि पृथ्वी बाकी के ग्रहों से अलग है, पर ऐसी भी चीजें बताना चाहते थे जिससे शायद एलियंस हमारे ग्रह को खुद के ग्रह से रिलेट कर पाए। और इसीलिए उन्होंने ये सारे फोटोज भेजे जो थे पृथ्वी पर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों के, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के, पेड़ पौधों के, रेगिस्तान के और बर्फ से ढके हुए पेड़ों के। और साथ ही उसमें थे पृथ्वी पर रहने वाले 80 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां, जिसमें कई तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े भी थे। और ये सारे फोटोज भेजने के पीछे का कारण ये था कि वो एलियंस को दिखाना चाहते थे कि अर्थ अपने सूरज के हैबिटेबल या गोल्डी लॉक जोन में आता है, और यही वो जोन होता है जिसमें जीवन पनपने के चांसेस होते हैं। सो जिन एलियन भाइयों के हाथों में हमारे फोटोज लगे, वो भी किसी सूरज के हैबिटेबल जोन में ही रहते होंगे। और ये सारे फोटोज को देखकर उन्हें ये पता चल जाएगा कि हैबिटेबल जोन में होने के कारण अर्थ पर किस तरह के अलग अलग जीवन पनप रहे हैं। एंड फिर फाइनली नासा के द्वारा भेजे हुए इस फोटो के द्वारा उनकी मुलाकात होगी उस प्राणी से जो जानवर से इवॉल्व होकर आज पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बन पाया है, यानी हम इंसानों की। वही इंसान जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अपने होने का प्रूफ अंतरिक्ष में भेजा है। और सबसे पहली चीज जो वो एलियंस इंसानों के बारे में जानेंगे वो ये होगा कि पृथ्वी पर हर चीज की तरह इंसान भी एटम्स के ही बने हुए हैं, जो दिखाने के लिए नासा ने इंसानों के डीएनए तक का फोटो उन्हें भेजा है। और साथ ही उन्हें नासा ने ह्यूमन एनाटॉमी के भी कुछ फोटोज भेजे हैं ताकि वो ये समझ सके कि ह्यूमंस कैसे हैं और किस चीज के बने हुए हैं। Well, आपका तो नहीं पता, बट मुझे तो थोड़ी टेंशन हो रही है। ऐसा ना हो कि एलियंस यही इन्फॉर्मेशन हमारे अगेंस्ट यूज करे और हम पर अपना हुकूमत जमाना चाहे, जो डर स्टीफन हॉकिंग का भी था। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे एनाटॉमी के फोटोज उन्होंने इसीलिए भेजे थे ताकि वो अपनी बॉडी को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और फंक्शन से कंपेयर कर पाएंगे, और अगर उनके फंक्शन सिमिलर हो तो क्या वो इंसानों की तरह ही रिप्रोड्यूस या बच्चा पैदा करते होंगे। एंड इसके लिए भी हमने फोटोज भेजे हैं। रुको जरा, गलत जगह पे दिमाग मत दौड़ाओ। फोटोज से मेरा मतलब है साइंटिफिक डायग्राम्स। सो इन्हीं डायग्राम्स के फोटोज के थ्रू उन्होंने इंसानों का रिप्रोडक्शन प्रोसेस बताया कि किस तरह से एक स्पर्म एक एग में जाता है और फिर उस एग में एक फीटस तैयार होता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके जन्म का फोटो। सो या अब मानो अगर एलियंस का ही ग्रह हमारे जैसा है, उनकी बॉडी और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी हमारी तरह ही है, तो क्या वो भी इंसानों की तरह ही स्ट्रक्चराइज्ड सोसाइटी और कम्युनिटीज में रहते होंगे? Well, जैसे हम जानते हैं सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, सो सोसाइटीज का होना ऐसी इंटेलिजेंट स्पीशीज में भी काफी जायज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड वेल, उन्हें इंसानों की फैमिलीज और कम्युनिटीज दिखाने के लिए हमने ये फोटोज भेजे जिससे उन्हें इंसानों के सोशल बिहेवियर पैटर्न्स का पता चले, और साथ ही हमने कुछ ये फोटोज भी भेजे हैं कि हम कैसे और क्या खाते हैं। एंड हाँ, ऑब्वियसली हम सिर्फ उन्हें रिप्रोडक्शन, फैमिली और खाने के बारे में नहीं बताना चाहते, हमने उन्हें ये भी दिखाया है कि हम इंसान सोशली नहीं बल्कि मेंटली और टेक्नोलॉजिकली भी काफी एडवांस्ड है। और हमारी मेंटल एबिलिटी को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होगा उन्हें हमारे आर्किटेक्चुरल स्किल्स को दिखाना। और इंट्रो में पूछे गए सवाल का यही जवाब है, इस वजह से हमने उन्हें ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सिडनी ओपेरा हाउस के फोटोज भेजे। साथ ही उन्हें हमने बनाए हुए बड़े बड़े स्टेडियम्स और 1280 मीटर के ब्रिजेस के भी फोटोज भेजे ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये 5 या 6 फुट के इंसान इतने बड़े और डिटेल्ड चीजें आखिर कैसे बना लेते हैं। यहाँ तक कि हमने बनाए हुए एयरप्लेन्स और रॉकेट्स के भी फोटोज हमने भेजे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कॉन्स्टेंटली और भी ज्यादा ऊंचाई को छू रहे हैं। और ये भी देखो, हमने एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में भेजा है, क्योंकि इंसान एक ऐसा क्यूरियस प्राणी है जो खुद के अस्तित्व और खुद की दुनिया के बारे में तो जानना चाहता ही है, पर साथ ही अंतरिक्ष के दूसरे कोने में रहने वाले जीवों की भी खोज में लगा हुआ है और उन्हीं दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क करने की अनगिनत कोशिशें कर रहा है। पर पृथ्वी में सिर्फ नेचर में ही नहीं बल्कि लोगों में भी काफी डाइवर्सिटी है, जहाँ अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ आपस में मिलजुल के रहते हैं। और यही डाइवर्सिटी दिखाने के लिए नासा ने इन अलग अलग रेस के और कल्चर के बच्चों का फोटो भेजा है। इवन ओलंपिक्स की ये फोटो भी बिल्कुल इसी रीजन की वजह से भेजी गई है, और साथ ही ये भी दिखाने के लिए कि हम किस तरह एक चीज को एंटरटेनमेंट और कॉम्पिटिशन दोनों बना लेते हैं। एंड
फाइनली इस रोमांचक फोटो जर्नी को खत्म करते हुए उन्होंने कुछ और फोटोज भेजी, जिससे उन्हें ये पता चले कि हम इंसान पृथ्वी में एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कि डांस, पत्थर से मूर्तियां बनाना या म्यूजिक बनाना, जिसका तो हमने पूरा एल्बम ही सीधा अपने स्पेस में अपलोड कर दिया। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्डन रिकॉर्ड के अंत में यूएस के 1977 के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का एक मैसेज भी था, जिसमें वो एलियंस के लिए ये लिखते हैं कि ये दूर दुनिया के लोगों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जिसमें आपको हमारा म्यूजिक, हमारा साइंस, हमारी तस्वीरें, विचार और फीलिंग्स सब मिलेंगे, और हमारी ये कोशिश लगातार जारी है कि जब तक आप तक ये मैसेज पहुंचे, एटलीस्ट उस समय तक इंसान सर्वाइव कर पाए। पर अगर किसी को ये उससे पहले मिल जाए तो पृथ्वी की और इंसानों की तलाश करते हुए जरूर आना, अगर आपके इरादे नेक हो तो, क्योंकि हम भी तो आपकी खोज में ही लगे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 116 फोटोज जो नासा चाहता था कि एलियंस देखे, पर इनमें कई ऐसी चीजें भी थी जो नासा किसी भी हाल में नहीं चाहता था एलियंस को दिखाई जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने फोटो सिलेक्शन कमेटी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि वो युद्ध, गरीबी, बीमारी, क्राइम, आइडियोलॉजी और धर्म के रिलेटेड फोटोज ना सिलेक्ट करें। और इसके पीछे का कारण ये था कि मानो जिस भी एलियन सिविलाइजेशन के हाथों हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन लगे और अगर वो वॉयलेंट निकले और हम पर हमला करने आ गए, तो वो हमारी ये वीकनेसेस को बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इसीलिए नासा नहीं चाहता था कि हमारी कोई भी कमजोरियां उन्हें दिखाई दे। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या हमें सही में ऐसी हमारी इन्फॉर्मेशन स्पेस में भेजना चाहिए, और फिर चाहे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर कोई एलियन हमसे ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो शायद वो हमारा एड्रेस ढूंढ के हम इंसानों को कैप्चर कर हम पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। ये पर्सपेक्टिव बिलीव नहीं हो रहा? वेल, खुद का ही एग्जांपल ले लो। हम इंसान पृथ्वी के सबसे स्मार्ट प्राणी है, और इसीलिए हम दूसरे जानवरों को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स को साइंस का एक हिस्सा मानते हैं। और अगर क्या इसी तरह कोई और एलियन सिविलाइजेशन हम पर एक्सपेरिमेंट करके हमें साइंस का बकरा माने, तो कैसा लगेगा? और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट जिनके स्पेस के बारे में अनगिनत प्रेडिक्शन सच निकले हैं, क्या हमें उनकी बात को भी नकारना चाहिए? क्या उनका एलियंस को लेके ये प्रेडिक्शन सच ना हो, इसकी कोई गारंटी है? वेल, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया तो नहीं लगा, और मैं इस चीज को लेकर इतना वरीड हमारे लिए नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए बिल्कुल हूँ, क्योंकि आगे हजारों साल बाद क्या पता किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के ये हाथ अगर लग गया और वो हम इंसानों की तरह ही सो कॉल्ड पीस लविंग क्रीचर्स हो, तो उस समय मैं नहीं चाहता पृथ्वी के जीव साइंस का बकरा बने। और आपकी क्या राय है इस विषय में फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना मेरे साथ। और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो अभी एक लाइक ठोक देना, मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, क्यूरियस बींग्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।